हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रुपेश कुमावत एंड न्यू व्लॉग। सो गाइज, आज मैं अपने खैर दिल वापस राजस्थान घर जाने वाला हूँ गाइज, और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा गाइज, क्योंकि ना मतलब ना मामा के बच्चों को छोड़ के मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा गाइज, मन दुखी हो रहा है, पर फिर भी गाइज जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक बार लास्ट बार सबसे मिलवाता हूँ, जो जो बंदे स्लो रुपए आएंगे, बाकी सब सो रहे हैं गाइज अभी, क्योंकि सुबह के अभी तो 7:30 हो रहे हैं, सब सोने में लगे पड़े हैं गाइज। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी प्यारी सी लड्डू से मिलाऊंगा, और मेरी रतनेश सिस्टर है उससे मिलाऊंगा। तो गाइज फिर हम जाएंगे अपने घर राजस्थान। तो गाइज फिर कभी आएंगे, फिर कभी आपको दिल्ली दिखाएंगे, तो चलते हैं फटाफट। सो लेट्स गो गाइज। पूरी फैमिली में सबसे छोटी बाबू हमारी है, और सबसे क्यूट भी आई है गाइज। तो सबसे पहले मैं वीडियोस की स्टार्टिंग करूंगा लड्डू। तो फाइनली गाइज, अब हमारा टाइम हो चुका है, अब हम अपने घर के लिए निकल रहे हैं। तो गाइज ये दोनों मतलब इनका ना रोनी आ रही है कि यार भाई क्यों छोड़ जा रहा, मन नहीं लग गया ये दोनों। देख लड्डू, देख भाई जा रहा है, देख क्या हमारा मन कैसे लगेगा। और गाइज ये है मोनी, अब भाई इसके भी रोनी स्टार्ट हो गई है, मैं कह रही भाई मजा मैंने कहा जाना पड़ेगा ही ना मैं। तो अभी गाइस ये हमारे घर का बाउंसर है, ये हमारे घर के बॉडीगार्ड है, बड़ा बॉडीगार्ड। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मामी से मिलने आए थे, हम खेल रहे हैं, मामी कह रही है मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। तो अभी गाइज हम दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन से पहुंच चुके हैं, और हम यहाँ पे ट्रेन की वेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर हम जाएंगे घर। गाइज मन तो नहीं कर रहा जाएगा, पर क्या करें, घर भी जाना जरूरी है, घर जाना पड़ेगा। तो अभी गाइज हम खैरतल पहुंच चुके हैं, और गाइज आज ना मन नहीं लगेगा बिल्कुल भी, क्योंकि हम ना दिल्ली से आए ना मामा के बच्चों के पास से, तो गाइज बहुत ज़्यादा मन दुख हो रहा है। पर फिर भी गाइज कोई नहीं, हमने जो जर्नी थी हमारी उसको तो एंजॉय किया है, बट धीरे धीरे मन लग जाएगा। आप मेरी ब्लॉग ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहे, क्योंकि मैं भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स लेके आने वाला हूँ गाइज। तो फटाफट घर चलते हैं, मतलब सब गर्मी लग रही होगी, घर जा खाना वगैरह खाएँगे। वैसे तो वहाँ से ब्रेकफास्ट करके चले थे, लेकिन हम घर जाकर दोबारा खाना खाएँगे, और घर चलते हैं देखते क्या माहौल है, मम्मी पापा से मिलेंगे। तो अभी गाइज अपनी कॉलोनी में एंट्री हो चुकी है, और आपको मैं दिखा दूँ, एक दिख रहा है मेरा दोस्त, नाम का ही दोस्त है बस, वो बैठा पड़ा। तो अभी गाइज फाइनली अब मैं आ गया हूँ घर, और गाइज सबसे पहले हम खाएंगे माता रानी के मंदिर में ढोक खाएंगे, क्योंकि हमारी वही ईष्ट है माता रानी, तो उनके पहले ढोक खाएंगे, उसके बाद फिर हम खाना वगैरह खाएंगे, रेस्ट करेंगे। तो ये हमारी माता का मंदिर, यहाँ से खाएंगे हम पहले ढोक, माँ दुर्गा का मंदिर है ये। तो अभी गाइज मेरे पास एक यूट्यूबर का फोन आया था, मेरा दोस्त था पड़ोसी, वो बोला कि भाई रुपेश मुझे तेरी हेल्प चाहिए, मुझे तुझसे मिलना है। मैंने कहा भाई क्या हेल्प चाहिए, कह भाई वो मिलना है। तो मैंने कहा बताया गया सही, तो बोला कि ना रुपेश तेरी वीडियोस के व्यूज अच्छे जा रहे हैं, और मेरी की बिल्कुल भी नहीं जा रहे, तो रुपेश मैं चाहता हूँ कि तेरी व्लॉग के डिस्क्रिप्शन में ना तू मेरी वीडियो का लिंक दे, और बोले कि इसे सपोर्ट करो। तो मैंने कहा भाई वो तो तेरे ऊपर है ना कि तू कितनी मेहनत कर रहा है, तू लोगों को कितना अट्रैक्ट कर रहा है अपनी वीडियो के जरिए, तो वो तेरे पर डिपेंड करेगा, वो तेरी मेहनत पर डिपेंड करेगा। तो बोला भाई रुपेश मुझे तेरी हेल्प चाहिए फिर भी। तो मैंने कि चल ठीक है भाई, तू मतलब कह रहा है तो तू फ्रेंड है तो मैं हेल्प कर देता हूँ। और गाइस हेल्प करनी भी चाहिए, हाथ साथ मिला के काम करना चाहिए गाइस, क्योंकि वो क्योंकि मतलब कि वो बंदा एक तो मेरा फ्रेंड है बचपन से, ठीक है, ऊपर से मतलब कि आज मेरा दिन है तो कल उसका भी दिन हो सकता है, इसलिए हाथ साथ मिला के चलना चाहिए लाइफ में, ठीक है। तो अब उससे मैं आपको मिलवाता हूँ, देखते हैं उसकी क्या खुजली है, वो मिटा के आते हैं। तो गाइस खैर का मौसम तो एकदम मौसम हुआ पड़ा है, हवा चल रही ठंडी ठंडी, मजे आ रहे हैं। दिल्ली में तो और गर्मी लग रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ तो ठंडी हवा चल रही है, अच्छा लग रहा है। तो गाइज अभी ना गुरुद्वारा आ गया है, तो पहले हम वाहेगुरु के ढोक खाएंगे, उसके बाद चलेंगे उसके पास मिलने। पूरी गलियां सुनसान पड़ी गाइज, पूरी गलियां सुनसान है। और गाइज अभी हम इसके पास पहुँच गए हैं, राजेश के पास, अब देखते हैं इसकी क्या हेल्प कर सकते हैं हम। क्या हाल है भाई, मजे में, क्या हेल्प चाहिए भाई बता। गाइस देख लो, मतलब मुझसे शर्मा रहा है ये, पता नहीं क्यों भाई, पता है नहीं, फ्रेंड होकर मुझसे शर्मा रहा है भाई, क्यों शर्मा रही बता, शर्मा रहा है मुझसे देखो। तो अभी गाइस मैं राजेश की प्रॉब्लम सॉल्व करके आ गया हूँ, वो कह रहा था कि अपनी वीडियो में डिस्क्रिप्शन दे देकर, तो मैं बैठ के भी आया था थोड़ी देर, और उसने अपने चैनल में मेरी वीडियो का लिंक ले लिया, और मैंने अपने चैनल में उसकी वीडियो का लिंक ले लिया, मतलब हम दोनों जब भी वीडियो अपलोड करा करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे का वीडियो का लिंक दिया करेंगे गाइस। तो मैं ठीक है भाई, एक दूसरे की अपनी हेल्प हो जाएगी, उसने कहा हाँ भाई ठीक है,
तो ठीक है अब चलते हैं घर, दोपहर हो रही है और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है और गर्मी भी लगी रही है क्योंकि धूप तो आ रही है पर बादल भी हो रहे हैं। और गाइस मैं आपको दिखाऊंगा अब सामने ना जो समर से पहले पूरे एरिया में जहाँ पानी आता है जिससे वो समर से पहले बोर ख़राब हो गई है तो वहाँ रिपेयरिंग चल रही है तो चल के देखते हैं। तो अभी गाइस मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे मेरे बचपन का फ्रेंड मिल गया, इसका नाम राज आएगा। गाइस इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट कर दो। और अब चलते हैं गाइस समर सेबल बोर देखने, क्योंकि मैं भी यही कहूँगा कि 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। टैंकर मंगवा रहे हैं बस बेफालतू में। हमें क्या पता था यहाँ पे समर सेबल बोर ख़राब हो गई है, अब वहाँ चल के देखते हैं क्या व्यवस्था है क्या नहीं है। और गाइस जैसे कि आप देख रहे हो समर सेबल की रिपेयरिंग चल रही है अभी। तो गाइस मैंने आपको समर सेबल दिखा दिया, वहाँ पर चल रही है अभी रिपेयरिंग। तो अभी गाइस जितने में गोलगप्पे खाने जा रहे हैं और ये सब्जी मंडी, यहाँ से निकलेंगे हम सबसे शॉर्टकट रास्ते से क्योंकि यहीं से गोलगप्पे वाले का शॉर्टकट रास्ता पड़ता है, सबसे गजब फेमस गोलगप्पे। तो अभी गाइस हम दोनों गोलगप्पे खा के आ गए हैं गाइस, लेकिन हम जल्दी खा के आ गए क्योंकि गाइस आप देख रहे हो बारिश आ रही है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, मतलब तेज होगी बारिश। तो फाइनली गाइस अब बारिश रुक चुकी है और मैं जाऊँगा घर क्योंकि मम्मी पापा वेट कर रहे होंगे, बहुत देर से मैं घर से बाहर निकला हूँ। तो घर जाके फिर मैं जाऊँगा हनुमान पहाड़ी, मैं आपको वहाँ पे पहाड़ आएगा मतलब हनुमान पहाड़ी पे तो ऊपर से मैं आपको सारा व्यू दिखाऊंगा, पूरा खैर दिखता है एकदम। मौसम भी अच्छा हो रहा है, बारिश हुई है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैं आपको वहाँ से पूरा खैर का व्यू दिखाऊंगा, बहुत तकता है खैर लगी ऊँची जगह है वो। ठीक है तो फटाफट चलता है पहले घर, उसके बाद फिर चलेंगे हनुमान पहाड़ी। तो अभी गाइस मैं घर से आ गया हूँ, रेडी होकर आ गया हूँ और अब मेरा बेस्ट फ्रेंड रुपेश का फ़ोन आ गया है तो अब हम चलते हैं हनुमान पहाड़ी। अभी रुपेश मेरे को यहाँ पे पार्टी देने आया है क्योंकि गाइस ये कर रहा मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है स्कूल की, आज सैलरी मिली है तो मैं तुझे आज पार्टी दूंगा। तो इस टाइम गाइस हम प्रेजेंट में जयशंकर बेकरी में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। तो अभी गाइस हम दोनों पार्टी करके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं रुपेश और मैं हनुमान पहाड़ी। इसका नाम भी रुपेश है, मेरा नाम भी रुपेश है, आपको तो मैं बता रखा है पहले की ब्लॉग में अपने, और बेस्ट फ्रेंड हो रहे हैं हम दोनों। तो फटाफट चलता है हनुमान पहाड़ी क्योंकि गाइस मौसम हो पड़ा है पूरा ठंडा, मतलब बहुत अच्छा हो पड़ा है, हल्की हल्की बारिश आ रही है और वहाँ चलता है फटाफट पहाड़ का क्योंकि बहुत ही अमेजिंग व्यू दिखने वाला है हमारे वहाँ। तो अभी हम 40 फुटा रोड पर हैं और मौसम एकदम मौसम हो रहा है, अब फटाफट चलते हैं हनुमान पहाड़ी। हवा बहुत अच्छी चल रही है क्योंकि बारिश का मौसम आप देख सकते हो जैसे। तो अभी गाइस हम यहाँ पर हनुमान पहाड़ी पहुँच चुके हैं और वो है सामने बजरंग बली का मंदिर। तो अभी रुपेश और मैं हनुमान पहाड़ी पहुँच चुके हैं, हवा बहुत ठंडी अच्छी चल रही है, बहुत मजे आ रहे हैं। अब चलते हैं कैलाश पहाड़ी, वो और ज़्यादा ऊंचाई पर है गाइस। ठीक है तो फटाफट चलते हैं, मज़ा बहुत आ रहा है, यहाँ पर अच्छे अच्छे भजन चल रहे हैं और वो ऊपर जो कैलाश पहाड़ी वहाँ पर शिव पार्वती का मंदिर है तो वहाँ भी बहुत मजे आएंगे, तो उस पहाड़ पर चलते हैं फटाफट से। गाइस रुपेश मेरे से पहले आगे जाके बैठ गया है कुर्सी पे। तो अभी गाइस हम कैलाश पहाड़ी पहुंच चुके हैं, अब हम चलते हैं ऊपर पहाड़ पे, यहाँ से सीढ़ी जा रही है, वैसे सड़क भी है सीढ़ी भी है, तो गाइस हम इस सड़क से जाएंगे क्योंकि सीढ़ी से हम थक जाते हैं चढ़ते चढ़ते। ठीक है गाइस तो आप फटाफट चलते हैं और मैं आपको फिर ऊपर से पूरा खैर का अमेजिंग व्यू दिखाऊंगा और खैर का जो चारों तरफ पहाड़ घिरे हुए हैं वो भी दिखाऊंगा, बहुत ही अमेजिंग व्यू आने वाला है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की हल्की बारिश की बौछार आ रही है, बहुत अमेजिंग व्यू है एकदम, बहुत मजा आ रहा है, फटाफट चलते हैं। तो गाइस यहाँ से हम करेंगे एंट्री, यहाँ से लोग खाएंगे उसके बाद चलते हैं अब। तो अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं कैलाश पहाड़ी, हम लोग खाएंगे पहले फटाफट से, इसके बाद गाइस सोमवार भी है ना तो आज बाबा का शिव भोलेनाथ का प्रसाद मिलने वाला है गाइस, तो अब चलते हैं फटाफट से ऊपर, इतना बड़ा त्रिशूल शिव भोलेनाथ का, और गाइस वो सबसे बड़ा घंटा है मंदिर का जो बजता है ना बहुत तेज पूरी आवाज गूंजती है, पूरा व्यू अमेजिंग व्यू दिख रहा है गाइस। तो गाइस ये है इतना बड़ा घंटा। तो अभी गाइस हम पहाड़ पर आए थे ना तो हमने देखा छोटे पिल्ले आएंगे, वो बिल्कुल छोटे रहेंगे प्यारे प्यारे रहेंगे, तो हम आपको पिल्ले दिखाते कितने क्यूट क्यूट है, कुछ तीन दे रखे हैं रुपये जगह पिल्ले हैं क्या, हाँ मैंने ध्यान रख रहा नहीं आ रही वो कितने क्यूट क्यूट है। तो अभी गाइस फाइनली हम कैलाश पहाड़ी के टॉप पर हैं, ये देख सकते हो गाइस एक साथ दो दो कैमरे चल रहे हैं और आप व्यू देखो गाइस, फोकस नहीं हो रहा यार मेरा, अरे अब हो गया, अमेजिंग गाइस अमेजिंग।
कितना अमेजिंग व्यू आप देख सकते हो, ये पूरा कैलाश पहाड़ी का। और गाइस बारिश का मौसम तो हो रहा है, गाइस बहुत ही ज्यादा आनंद आ रहा है यहाँ पे, कोई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। वो देखो पूरा खैरतल वहां का, वो एरिया पूरा खैरतल का, वहां है पूरा खैरतल। और गाइस पता है बहुत दिनों बाद हम इस टाइम आनंद पहाड़ी पे आए हैं, रूपेश्वर में साथ में बहुत दिन हो गए थे, क्योंकि गाइस बारिश का मौसम भी नहीं हो रहा था, तो हमने की इतनी गर्मी में जाके क्या करेंगे, क्या फायदा, धूप निकलती है। लेकिन गाइस आज फाइनली मौसम हो ही गया, बारिश आई गई थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजा आ रहा है गाइस आज ना। मतलब कुछ भी बोलो, कभी आप अगर विजिट करो ना खैरतल में हो तो जरूर यहाँ पे विजिट करना, नहीं तो अगर आपको नहीं जानते हो इस जगह खैरतल आके मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपको इस जगह को विजिट कराऊंगा, क्योंकि गाइस इतनी अमेजिंग जगह है, आप कभी मिस मत करना। हवा बहुत तेज चल चुकी है और हमारा एंजॉय बढ़ता जा रहा है, अब हम करें यहाँ पे फोटो शूट। और गाइज आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जाके हमारी फोटो शूट देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा। अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट रुपेश कुमार व्लॉग को फॉलो नहीं किया है तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके क्लिक करें और इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें और हमारी फोटो शूट आप वहीं से देख सकते हो, क्योंकि गाइज हमने जो एंजॉय करेंगे हम आपको सारी फोटो शूट आपको इंस्टाग्राम अकाउंट में दे देंगे। ठीक है गाइज अब हम करते हैं फोटो शूट, फिर हम आपको उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज जैसा आप देख रहे हो रुपेश ने अपनी फोटो शूट स्टार्ट कर दिया, गाइज ये बंदा फोटोग्राफर है, क्योंकि गाइज इसको ना अमेजिंग मतलब फोटो अच्छे से खींचनी आती है, इसको पता है कौन सा पोज कहाँ देना है। मैं इससे ही करवाता हूँ गाइज फोटो शूट, इसका नाम रुपेश है, सही बात है, गुड। और गाइज व्यू आप देख सकते हो पूरा, क्या कह रहे हैं, गूंगा नहीं, अच्छा गूंगा नहीं है, ठीक है भाई ठीक है, समझ सकते हैं भाई तू गूंगा नहीं है। तो अभी गाइज हम दोनों ने फोटो शूट कर लिया और गाइज अब आपको हमारी फोटो शूट जो भी सारी इंस्टा पे मिल जाएगी। और गाइज मजे बहुत आया और रुपेश ने बहुत अच्छे अच्छे पोज में फोटो लिया, गाइज इसको फोटो अच्छी आती है ना, क्योंकि इसको आदत हो ही पड़ी है, शुरू से ही फोटोग्राफर है, क्योंकि इसके मामा फोटोग्राफर है ना गाइज इसलिए। तो गाइज अब हम घर चलते हैं, हमने ढोक वगैरह खा लिया है, मैंने आपको पूरा व्यू दिखा दिया खैरतल का, ठीक है गाइज बाकी अब फटाफट घर चलते हैं। और गाइज ये है हनुमान पहाड़ी, हम वापस आ गए हैं इस टाइम हनुमान पहाड़ी पे। तो गाइज अब हम वापस घर चल रहे हैं और ये है गणेश जी का मंदिर, अब हम यहाँ पे ढोक खाएंगे इसके बाद। तो अभी गाइज हम वापस घर जा रहे हैं और दिन छिप चुका है आप जैसे देख रहे हो, तो फटाफट से घर चलते हैं और हम थक चुके हैं, क्योंकि हमने चढ़ाई की थी ना इसलिए बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। तो फाइनली गाइज अब मैं आ गया हूँ घर और गाइज आज बहुत मजा आया, ठंडी हवा चल रही थी गाइज हनुमान पहाड़ी, ठीक है गाइज, और मैंने आपको भी दिखाया था आज का एकदम अमेजिंग व्यू हनुमान पहाड़ी का खैरतल का। तो फाइनली गाइज अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको व्लॉग कैसे लगी प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने के लिए रुपेश कुमार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।